नमस्कार बच्चों आज हम क्लास एट की इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नेव फ्रेंड्स द नेव फ्रेंड्स सो इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ मुंशी प्रेमचंद नादान दोस्त जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है ओरिजिनली हिंदी में नादान दोस्त के रूप में और आपके बुक में वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में आया है इंग्लिश में ट्रांसलेट होके द नेव फ्रेंड्स के रूप में प्रजेंट किया गया है नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वट आर द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी वी हैव कैरेक्टर्स लाइक श्यामा केसव माँ एंड बर्ड्स इस कहानी में केशव है श्यामा है माँ है उनकी और कुछ दो चिड़ियों का भी इसमें डिस्क्रिप्शन है सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द पार्ट वन पार्ट वन में क्या हो रहा है आगे कैसे कहानी बढ़ती है ये हम जानते हैं चलिए सो वेकअप बाई जॉप जॉप ऑफ बर्ड्स एंड फॉगेट ब्रेकफास्ट एंड नो वन टू टॉक तो ये कहानी बेसिकली दो भाई बहन और केशव और श्यामा की है केशव और श्यामा जो हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं केशव बड़ा है श्यामा छोटी है दोनों बच्चे जो हैं उनके मॉर्निंग की शुरुआत होती है चिड़ियों के चहचाहट से और ये दो चिड़िया जो है वो उनके घर में जो खिड़की है उसके छज्जे पे इन्होंने अंडे दिए हैं और इस कारण से ये दो बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी चहचाहट उन्हें बहुत अच्छी लगती है और उनके मन में उनके बारे में हजारों सवाल आते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनके घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि चिड़ियों के बारे में बात कर सके सो देस क्वेश्चन ऑफ सिवलिंग्स केसाओ आंसर सम नॉट ऑल तो केसो क्योंकि बड़ा है वो इसलिए अपनी बहन को काफी सारे सवालों का जवाब देता है पर सारे सवालों का जवाब दे पाना उसके बस की बात नहीं है आगे क्या होता है अबाउट फूड वाटर कंफर्ट फॉर द चिक्स सो so, uh, उनके मन में सबसे ज़्यादा सवाल इस बात uh, पे आते हैं कि जब उन अंडों से uh, बच्चे बाहर निकलेंगे चिक्स बाहर निकलेंगे दैन वाट विल दे ईट ओके वो क्या खाएंगे उनको किसी तरह की सुविधा मिलेगी कि नहीं भाई कहाँ से पानी पियेंगे क्या उनकी uh, माँ जो हैं वो उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट इतनी जल्दी कर पाएंगे ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सताती है और वो कुछ प्लान करते हैं वो क्या प्लान करते हैं वाट आइडिया टू अरेंज मेक सिफ्त फूड एंड वाटर तो वो सोच लेते हैं कि हम इनके लिए एक टेम्पररी रूफ बनाएंगे ठीक है जहाँ पे अंडे रखे हुए हैं वहाँ पे वो एक टेम्प्रेरी रूफ बनाने का प्लान करते हैं साथ ही साथ कुछ राइस के दाने और एक कटोरी पानी भी वो अरेंज करने का प्लान कर लेते हैं एंड लाइक यू कैन सी दैट दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन यहाँ पे पार्ट वन जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड वी आर मूविंग टू द पार्ट टू अब हम लोग पार्ट टू की ओर बढ़ते हैं सो वट इज़ हैपनिंग इन पास पार्ट टू दैट वन आफ्टरनून मास्ली

श्यामा so, केसव चढ़ता है, है और, के, के, है और उसको पकड़ के रखती है जैसे ही केशव छज्जे तक पहुंचता है तो उसको दिखाई देता है दर देरा थ्री एक्स तीन अंडे हैं वहाँ पे जिनको श्यामा बार बार दिखाने का निवेदन करती है अपने भाई से पर उसका भाई उसे नहीं दिखाता बिकॉज वो भाई उसका बोलता है कि अगर तुम ऊपर चढ़ोगी तो गिर जाओगी तुम बहुत अभी छोटी हो सो राइस वाटर एंड मेक उसका भाई उसे ये भी बताता है कि बहुत अजीब सा घोंसला है जो कि तिनको का बना हुआ है और इससे जब चिक्स बाहर आएंगे तो जरूर उन्हें नुकसान होगा उनको चोट पहुंचेगी सो so, इसलिए वो सोचते हैं कि हम इनके लिए क्वेश्चन का अरेंजमेंट करेंगे और दोनों बच्चे माँ की पुरानी साड़ी, को फाड़ के और अंडों को कुशन के रूप में अंडों के लिए कुशन बनाते हैं और उस कुशन को के ऊपर अंडों को रख देते हैं साथ ही साथ वो अरेंज करते हैं राइस वाटर एंड मेक सेफ्ट ठीक है वो राइस वाटर और टेम्प्रेरी एक पुराने बास्केट को यूज करते हैं टेम्प्रेरी रूफ के लिए सडनली तभी क्या होता है सडनली माँ कम्स एट टू तो ओ क्लॉक नो आ, नो डिस्कलोजिंग ओके सो so, यहाँ पे हो रहा है कि तभी माँ जो है उनकी चोरी पकड़ लेती है माँ की आँख खुल जाती है दो बजे और दोनों बच्चों को वो डांट के घर के अंदर ले जाती है और दोनों बच्चे इतने डर जाते हैं कि माँ को वो कुछ भी नहीं बताते कि वे बाहर क्या कर रहे हैं लाइक यू कैन सी दैट पार्ट थर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेअर बिकॉज द पार्ट टू एंड सेय तो पार्ट थर्ड सेज दैट माँ टेक्स दैम इन साइड बोथ स्लीपूम श्यामा वेक्सअप एट फोर ओ क्लॉक एग्सन एंड ब्लेम्स केसव तुम तो आप दोनों को डांट के अंदर ले जाती है दोपहर का समय है दोनों बच्चे थक जाते हैं इतने सारे परिश्रम को करके और जल्दी ही सो जाते हैं अचानक चार बजे के श्यामा की आंख खुलती है और श्यामा देखती है कि क्या हुआ है ये अंडे तो फूटे पड़े हैं और इसका दोष वो अपने भाई पे लगाती है केसव पे लगाती है कि तुम ने अंडों को अच्छे से नहीं रखा होगा इसीलिए वो गिर गए लास्टली वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस स्टोरी एंड इट सेज दैट माँ कम्स एंड टेल्स बर्ड्स डो नॉट हैच टेंटेड एग्स तो अंत में क्या होता है माँ उनको आके समझाती है कि बच्चों आपने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको अंडों को नहीं छूना चाहिए था क्योंकि चिड़िया जो है वो दूसरे के छुए हुए अंडों को दूषित मानती है और उन पे कभी नहीं बैठती उनको कभी नहीं सेंकती इसीलिए वो खुद ब खुद अपने अंडों को गिरा के उड़ गई पर दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी और ये सारी बातें जान के बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं बिकॉज दे वॉन्टेड दे वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स ओके वो चिड़ियों के फ्रेंड्स बनना चाह रहे थे लेकिन वो नादान थे नेव थे ठीक है वे अनुभवहीन थे और अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इसका पछतावा उनको बहुत होता है और उनकी माँ उनको केयरफुल रहने के लिए नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहने के लिए कहती है सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी आई होप यू हैव अंडरस्टूड So thank you.